भगवान राम लीला 500 वर्ष के साथ अपने रहते हैं, क्या कहना है? ये पूरे विश्व के लिए और हम सब भारतीयों के लिए बहुत आनंद का क्षण है। ये इतने वर्षों की लड़ाई के बाद हमारा सनातन धर्म पुनः स्थापित होने जा रहा है और यहीं से अब विश्व को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पूरी अयोध्या को आपने राम में बना दिया है, यही लगातार चलता रहेगा, क्या समझे? भगवान राम जन जन में व्याप्त हैं, सभी के हृदय में व्याप्त हैं। केवल एक बार कोई भी व्यक्ति समाज में आकर के जब भगवान का नाम लेकर के जागरूक करता है तो सभी लोग हृदय से उसका स्वागत करते हैं और इस वक्त केवल अयोध्या ही नहीं पूरा भारत राममय हो रखा है। महाराज जी, समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बात फिर भी विवादित बयान आया है। उसने कहा कार्यसहयोग विद्रोही थे, उस समय की सरकार ने अमन चैन के लिए अच्छा काम किया था, क्या कहना है इसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है, अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसको संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। बार बार बयान करता रहता सनातन को लेकर करके, रामचरित मानस को लेकर करके, इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, क्या कहना है? जरूर कार्यवाही, भगवान रामलला विराजित हो जाए उसके बाद मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे मूर्खों को ऐसे गर्त में डाल दें कि इनकी 7 पीढ़ियाँ याद रखें कि सनातन धर्म पर आक्षेप कर करके अथवा तो उल्टा सीधा बोल करके क्या दुष्परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे मूर्ख को मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक ने उसको वैसे ही इतना पीछे और गर्त में ढकेल दिया है कि 7 पीढ़ी उसके परिवार की, अब कोई भी सत्ता में वापस आने वाला नहीं है। तो मैं सरकार को भी निवेदन करूँगा और निश्चित इस पर कार्यवाही होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।